भारत आज के समय में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी वैश्विक ताकत के रूप में निखर कर आ रहा है। भारत जो कंटिन्यू अपने मिसाइल परीक्षण की वजह से जाना जाता है, कंटिन्यू अपने ब्रेक रिकॉर्ड की वजह से जाना जाता है, भारत ने फिर एक बार रिमार्केबल एक सेटअप प्लान कर दिया है। 650 अरब डॉलर के निर्यात का रिकॉर्ड बन पाएगा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी, जो कि भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत 650 बिलियन डॉलर के टोटल एक्सपोर्ट का आंकड़ा छू सकता है। इसमें सर्विस एक्सपोर्ट 250 बिलियन डॉलर है और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 400 बिलियन डॉलर से 400 + 250 टोटल इक्वल टू 650 अरब डॉलर। ठीक है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में 650 बिलियन डॉलर के इंडियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। निर्यातक समुदायों को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल जी ने कहा कि उन्हें पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया गया और कहा गया कि 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष में देश का गुड्स एक्सपोर्ट 400 बिलियन डॉलर और सर्विस एक्सपोर्ट 250 बिलियन डॉलर का लक्ष्य आसानी से हासिल हो सके। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल जी ने कहा था कि जनवरी महीने में 15 तारीख तक निर्यात का आंकड़ा 16 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। गोयल जी ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के 650 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल होने योग्य है। उन्होंने कहा है कि उत्पादों का निर्यात 400 अरब डॉलर पहुंचने की गुंजाइश है और सेवा क्षेत्र का निर्यात 250 अरब डॉलर तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने एक्सपोर्ट प्रोफेशन काउंसिल यानी EPCS को भरोसा दिलाया कि अगर अगले वित्तीय वर्ष में कई ऊंचाई निर्धारित लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं, सरकार उनको पूरा समर्थन देगी और उन्हें कई मुद्दे पर सुलझाने के लिए कदम भी उठाएगी। भारत अब जो एक 650 अरब डॉलर के लिए ये जो आजमाइश कर रहा है, मार्च से पहले इसी महीने, मतलब इसी साल में मार्च से पहले ये जो पेशकश है भारत की तरफ से, शायद दुनिया के लिए एक चैलेंज भी है। और भारत, मुझे लगता है कि भारत ये चीज़ कर सकता है, बिल्कुल बखूबी कर सकता है, क्योंकि भारत में अब एक्सपोर्ट की जो पहले नज़र से नहीं देखा जाता था भारत को उतना ज़्यादा, लेकिन अब हर क्षेत्र में हम एक्सपोर्ट के मामले में निकल कर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सेटअप तो हमारा डिफेंस का सेक्टर ही है, उसमें भी हमारा अब अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, लेकिन और हमें मुनाफा करना है अपने डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, इस वीडियो पर आपका क्या मानना है और आपको क्या लगता है कि 650 अरब डॉलर का जो हमने सेटअप प्लान कर रखा है मार्च से पहले, क्या ये हो सकता है, रिकॉर्ड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।